इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे इटली टी10 के दोस्तों मैच नंबर वन के बारे में। इटली टी10 का दोस्तों मैच नंबर वन खेला जा रहा है आपका एएलबी और बीसीसी टीम के बीच में। ये जो मैच है कल दोस्तों ध्यान रखिएगा दोपहर के 12:45 से स्टार्ट होगा, ठीक ना। इस वीडियो में दोस्तों इस मैच के रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट सभी प्लेयर का आपको स्टैट्स मैंने शेयर कर दिया है और स्टैट्स आपको मिल गया तो आराम से दोस्तों आप बेस्ट टीम रेडी कर सकते हैं। मैं सिंपल बताता हूं दोस्तों ट्रम्प कार्ड प्लेयर ना भरे पड़े हुए हैं, जिनको मैंने कैप्टन किया वो आपके ट्रम्प कार्ड प्लेयर है। ओके तो जाइए वीडियो देखिए और कोशिश कीजिए कि इस मैच में बेस्ट टीम बनाए और मेरे टीम को भी आप सेव कर सकते हैं यदि आप मेरे टीम के साथ जाना चाहते हैं। यदि उस टीम में दोस्तों मान के चलो कोई प्लेयर नहीं खेलता है टर्स के बाद या कोई चेंज करना होगा तो मैं फिर से आपको फाइनल टीम एक बार टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। जितने भी न्यू मेंबर वीडियो को वॉच कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल को मस्ट है ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कॉमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा। जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, ठीक ना। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का घंटी जरूर बजा दीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो का इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं एएलबी और बीसीसी के मैच में क्या कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग आ जाते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में। फर्स्ट मैच है दोस्तों इस टूर्नामेंट का, प्लेयर स्टैट्स पे सबसे ज़्यादा फोकस रखिएगा, प्लेयर के रिकॉर्ड पे, ठीक ना। क्योंकि ट्रम्प कार्ड प्लेयर ना मैं इतना आपको बताने वाला हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाओगे यार, सब तो ऐसे ही प्लेयर मिल रहे हैं जिनका सिलेक्शन कम है बट टीम में लेके जाना है। मेन फोकस रखिएगा दोस्तों, ठीक ना। और ट्रम्प कार्ड प्लेयर को अभी टीम में मत लीजिएगा, आप कहीं भी नोट कर लीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लास्ट टाइम लीजिएगा। क्योंकि अभी आप ले लोगे ना ट्रम्प कार्ड प्लेयर जो मैं बताऊँगा सिलेक्शन हाई हो जाएगा, सभी लोगों को पता चल जाएगा, तो ट्रम्प कार्ड प्लेयर रहेंगे नहीं। ओके सबसे पहले आ जाते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा के जेट का। जेट देखो टी20 में दो मैच खेले जहाँ पे बैटिंग से 22 रन स्कोर किए हैं, टी10 दोस्तों ये कभी खेले नहीं है। नीचे आपको एस रॉय का ऑप्शन मिलेगा जो टी20 में 16 मैच खेले जहाँ पे बैटिंग से 143 रन स्कोर किए और 16 मैच में बॉलिंग से आपको 5 विकेट लिए 8 ओवर बॉलिंग करके। बॉलिंग दोस्तों काफ़ी कम मैच में करते हैं, ऐसे मेन काम दोस्तों इनका विकेट कीपिंग से रहता है। बट यदि रिकॉर्ड देखोगे तो ख़राब नहीं है, 16 मैच में 143 रन लोगों ने लिया है के जेट को, जिनका दो मैच में 22 रन ही है। अब देखते हैं दोनों में से जो भी 200 टॉप ऑर्डर में आए ना उसको ले लेना। मैं रिकॉर्ड के साथ जाना चाहूँगा और मैं एस रॉय को अभी टीम में लूँगा। एस सिंह का दोस्तों रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। आइएगा बैटिंग सेक्शन में। अब यहाँ पे आप दोस्तों खेल समझो, फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों के अजय का, 93% सिलेक्शन है। लेकिन आप रिकॉर्ड जानते हो क्या है, टी10 में भाई ने 30 मैच खेला है जहाँ पे बैटिंग से 96 रन स्कोर किए, बताओ टीम में लोगे। नीचे आइएगा दोस्तों तो आपको एस लाल का ऑप्शन मिलेगा, 94% सिलेक्शन है। रिकॉर्ड आप देखो, इन्होंने 20 मैच खेले हैं दोस्तों टी10 में जहां पे बैटिंग से 85 रन स्कोर किए हैं, बताइए दोस्तों टीम में लीजिएगा। नीचे आपको के सिंह का ऑप्शन मिलेगा, 21 मैच खेले टी10 में जहां पे बैटिंग से 134 रन स्कोर किए हैं। नीचे आपको जी सिंह का ऑप्शन मिलेगा जो टी10 में 9 मैच खेले जहाँ पे बैटिंग से 43 रन स्कोर किए हैं और 9 मैच में बॉलिंग से 3 विकेट लिए हैं 7 ओवर बॉलिंग करके। सिलेक्शन इनका भी काफ़ी हाई है, 74% सिलेक्शन है। नीचे आपको ए कुमार का ऑप्शन मिल जाएगा, अजय कुमार का दोस्तों रिकॉर्ड देखें तो टी20 में 4 मैच खेल के आ रहे हैं जहाँ पे बैटिंग से 64 रन स्कोर किए हैं। नीचे आपको दोस्तों आर कुमार का ऑप्शन मिलेगा जो टी10 में 16 मैच खेले और कमाल का रिकॉर्ड है यार इनका, सलाम है, 16 मैच में भाई ने 18 रन का स्कोर किया है भाई लोग। नीचे आइएगा दोस्तों तो आपको ए सिंह का ऑप्शन मिल जाएगा जो टी10 में 25 मैच खेले जहाँ पे बैटिंग से 165 रन स्कोर किए। नीचे आपको दोस्तों एस गिल का ऑप्शन मिल जाएगा, स्टैट्स अवेलेबल नहीं है दोस्तों इनका। नीचे आपको एस राम का ऑप्शन मिलेगा जो टी10 में 26 मैच खेले जहाँ पे बैटिंग से 215 रन स्कोर किए हैं। और भी दोस्तों नीचे जो ऑप्शन है उतना खास नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों देखो बैटिंग सेक्शन से ना इस मैच में कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है, बट ऐसा थोड़ी है, टीम में तो लेना ही होगा ना किसी को। तो मैंने जो अभी आपको स्टैट्स बताया उसमें मेरे को सबसे अच्छा एस राम का ही लगा है, इसलिए मैं इनको ले रहा हूँ। अब देखते हैं जो फाइनल बैटिंग पोजिशन आएगा उसके आधार पर कोई चेंज करना होगा, कोई अपडेट करना होगा बैटिंग सेक्शन से, तो वो चीज़ मैं आपको टेलीग्राम पर कर दूंगा। स्टैट्स किसी का बेस्ट नहीं है। आइएगा दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा एच सिंह का। एच सिंह दोस्तों टी10 में 11 मैच के लिए जहाँ पे बैटिंग से भाई ने कमाल का रिकॉर्ड है, 87 रन स्कोर किए, क्या बात है,
बट बॉलिंग से खराब रिकॉर्ड है, 11 मैच में सिर्फ 14 विकेट ही लिए हैं। भाई लोग यार मजाक कर रहा हूँ, जस्ट अपोजिट आप समझ लो, बैटिंग से खराब रिकॉर्ड है, बॉलिंग से अच्छा रिकॉर्ड है, टीम में जरूर लेना है। नीचे आइएगा दोस्तों तो आपको एम सिंह का ऑप्शन मिल जाएगा। एम सिंह दोस्तों टी टेन में 22 मैच खेले हुए हैं, जहाँ पे बैटिंग से 131 रन स्कोर किए हैं और 22 मैच में दोस्तों आपको बॉलिंग से 18 विकेट लिए हैं, ठीक ठाक रिकॉर्ड है, ट्राई हम लोग कर सकते हैं। नीचे आपको दोस्तों पी कुमार का ऑप्शन मिलेगा, टी टेन में 19 मैच खेले जहाँ पे बैटिंग से 142 रन स्कोर किए और बॉलिंग से 19 मैच में 15 विकेट लिए है, इनका भी रिकॉर्ड ठीक है, ले सकते हैं। जगमीत सिंह इनको तो यार लेके ही चलना है, इन पर कोई रिस्क नहीं लीजिएगा, 46 मैच खेल चुके हैं टी टेन में जहाँ पे बैटिंग से 309 रन स्कोर किए हैं और 46 मैच में बॉलिंग से इन्होंने 58 विकेट लिए, मेन काम दोस्तों इनका बॉलिंग से है। नीचे आएगा दोस्तों एस उस्मान का ऑप्शन मिल जाएगा, उस्मान भैया का दोस्तों रिकॉर्ड देखे तो टी टेन में 4 मैच खेले जहाँ पे 4 विकेट लिए हैं 4 ओवर का बॉलिंग करके। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा दोस्तों आज के मैच का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड प्लेयर, नाम है इनका दोस्तों डी सुको, 18% सिलेक्शन है, लेकिन जानते हो दोस्तों मेरे कैप्टन रहने वाले इस मैच का, आप लोग कैसे आप कैप्टन कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ दोस्तों। देखो इन्होंने टी टेन में 223 मैच खेला है, बैटिंग से 398 रन स्कोर किए हैं और 23 मैच में बॉलिंग से 36 विकेट लिए। अब मेरे को नहीं लगता है कि आप मेरे से पूछोगे क्यों इनको कैप्टन करना है, रिकॉर्ड देखो यार, इनसे बेटर किसी का रिकॉर्ड ही नहीं है, तो क्यों नहीं कैप्टन करेंगे। नीचे आएगा दोस्तों तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा एम सिंह जूनियर का, जूनियर भाई का रिकॉर्ड देखे तो अवेलेबल नहीं है दोस्तों इनका। के सिंह का रिकॉर्ड है मेरे पास, 16 मैच खेले टी टेन में, बैटिंग से 60 रन, बॉलिंग से 4 विकेट लिए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग बॉलिंग सेक्शन में, यार बॉलिंग सेक्शन में जो फर्स्ट नाम है ना जिनका 90% सिलेक्शन है, ध्यान रखना ये बॉलर कम बैट्समैन ज़्यादा है, ओके आप इनका रिकॉर्ड देखोगे खुद आपको पता चल जाएगा। इन्होंने 67 मैच खेले टी टेन में जहाँ पे बैटिंग से 1038 रन स्कोर कर चुके हैं और इनका नाम कहाँ पे मिल रहा है तो भाई लोग बॉलिंग सेक्शन में मिल रहा है, बॉलिंग से जस्ट ओके रिकॉर्ड है, 67 मैच में 36 विकेट है, बोले तो हाफ है। नीचे आएगा दोस्तों बी बैंगर का ऑप्शन मिल जाएगा, 28 मैच खेल चुके हैं टी टेन में, 34 विकेट लिए हुए हैं, कभी भी ड्रॉप नहीं करेंगे। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा एस सिंह का, जो टी टेन में 9 मैच खेले हैं, 9 मैच में दोस्तों आपको 6 विकेट प्रोवाइड किए हैं 16 ओवर का कंप्लीट बॉलिंग करके, डैट मीन्स बॉलिंग ये भी दोस्तों आपको सभी मैच में करते हैं। नीचे आपको मिलेगा ऑप्शन दोस्तों जेड महमूद का, टी टेन में 7 मैच खेले हैं और 7 मैच में दोस्तों 11 विकेट लिए हैं 13 ओवर का कंप्लीट बॉलिंग करके, ये भी एक कमाल के बॉलर है, रिकॉर्ड भी अच्छा है। नीचे आपको आर कुरेसी का ऑप्शन मिलेगा, 24 मैच ऑलरेडी खेल चुके हैं टी टेन में जहाँ पे 7 विकेट लिए हैं, टोटल दोस्तों इन्होंने 31 ओवर का बॉलिंग किया है। नीचे आपको एस हैपी का रिकॉर्ड मिलेगा, इनका दोस्तों T20 का रिकॉर्ड है बट कन्फर्म रिकॉर्ड नहीं है इसलिए मैं अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ, खेलेंगे तो मैं इनका अपडेट कर दूंगा आपको टेलीग्राम पे। जय कुमार का रिकॉर्ड अवेलेबल है दोस्तों टी टेन का, 7 मैच खेले हैं, 0 विकेट लिए हैं, 1 ओवर का बॉलिंग किया है। क्यू कुरेसी का भी रिकॉर्ड है दोस्तों, 2 मैच खेले टी टेन में जहाँ पे 1 विकेट लिए हैं 3 ओवर बॉलिंग करके। नीचे आपको जी सिंह एक अच्छे ऐसे ऑप्शन है जिनको आप जीएल में ट्राई कर सकते हो क्योंकि रिकॉर्ड इनका अच्छा है दोस्तों, टी टेन में 11 मैच में ही दोस्तों आपको 16 विकेट प्रोवाइड किया है और कंप्लीट इन्होंने 18 ओवर का बॉलिंग किया है। नीचे से एक और प्लेयर का रिकॉर्ड है मेरे पास डी सिंह का, 11 मैच खेले टी टेन में, 9 विकेट लिए हैं, 15 ओवर का दोस्तों कंप्लीट इन्होंने बॉलिंग किया है। चलिए बात कर ले दोस्तों हम लोग कैप्टन में इसी ऑप्शन, तो कैप्टन के लिए देखो दोस्तों जैसा मैंने बताया डी कोस को मैं कैप्टन कर रहा हूँ, बीसी में जा रहा हूँ जगमीत के साथ। अदर ऑप्शन का बात करें तो आप बी सिंह को भी ट्राई कर सकते हो, बॉलिंग सेक्शन वाले जिनका बैटिंग से बहुत ही कमाल का रिकॉर्ड है। अनदर ऑप्शन में दोस्तों यदि बैटिंग ऑर्डर ऊपर मिलता है एम सिंह जैसे प्लेयर का फिर हम लोग इनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जिनका बेस्ट रिकॉर्ड है मैं उनको कैप्टन बीसी कर रहा हूँ। आप लोग भी सेम टीम के साथ जा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले तो टीम को सेव कर लीजिए, ओके ना, और इसमें कोई चेंज करना होगा या कोई अपडेट देना होगा आपको तो फाइनल अपडेट में एक बार फिर से जब लाइन आउट आएगा प्लेइंग 11 आएगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। जितने भी न्यू मेंबर यार वीडियो को वॉच कर रहे हैं ना टेलीग्राम चैनल को मस्ट है ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कॉमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों और टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, ठीक ना दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों जिन भाइयों ने अभी तक YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों नोटिफिकेशन का घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो का इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर दोस्तों एंड बाय।